Hello student, in this video we will discuss on the next azole group compound, that is the pyrazole. Okay, so let's see introductory part, properties, physical chemical properties, then the synthetic methods of the pyrazoles. So pyrazole, it is a 5-membered ring having nitrogen in 1 and 2 position. Okay, 1st and 2 position of the 5-membered ring में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, पायराजोल बोलेंगे. सो इट इज ऑकर इन नेचर, इट इज अप्लीकेबल फॉर ड्रग, इट इज आल्सो बी यूज्ड एज ए एंटी ऑक्सीडेंट. ओके, पायराजोल जो है वो नेचर में फाउंड होता है, ऑकर मिलता है. इट इज अप्लीकेबल फॉर ड्रग, ये कुछ ड्रग्स बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. इट आल्सो बी यूज एज ए एंटी ऑक्सीडेंट करके इसका यूज़ किया जाता है. देन लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द पायराजोल. ओके, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पायराजोल, इट इज़ कलरलेस सॉलिड, सॉल्यूबल इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट 90°C. जो पायराजोल्स है वो कलरलेस सॉलिड, कलरलेस कंपाउंड है, बट ये किस फॉर्म में रहता है, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म. इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्यूबल रहता है. ठीक है, एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 90°C है. नाउ लेट्स सी द फिजिकल सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पायराजोल्स. फर्स्ट दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन. पायराजोल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देती है. पायराजोल इज सब्जेक्टिव टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड अटैक टेक्स प्लेस एट द 4th पोजिशन, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द पायराजोल. देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है और 4th पोजिशन पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है. देखो यहाँ पे क्या है, N, यहाँ पे दो लोन पेयर है, यहाँ पे NH है. ठीक है, तो ये लोन पेयर क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख सकते हैं. देखो ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. मतलब क्या होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया. ठीक है, यहाँ का शिफ्ट हो गया, यहाँ पे निगेटिव साइन आ गया, यहाँ का यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, यहाँ का यहाँ पे आएगा, मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा. ठीक है, फिर क्या होगा, ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा. ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ का यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, और बाकी का सेम एज इट इज़ है. यहाँ पे C4 पोजिशन है, ये C3 पोजिशन है, बराबर है. देखो 1, 2, 3, 3rd पोजीशन पे क्या है, माइनस साइन है. ठीक है, यहाँ पे 4th पोजीशन पे है, 1, 2, 3, 4th पोजीशन पे है. ठीक है, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द पायराजोल हैविंग द C4 पोजीशन. ओके, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ लेट्स सी द ब्रोमिनेशन ऑफ द पायराजोल. देन पायराजोल रिंग है, यहाँ पे NH रहता है, सॉरी. तो पायराजोल में क्या है, देखो ब्रोमिनेशन करते समय हम इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 4 ब्रोमो पायराजोल मिल रहा है. 1, 2, 3 एंड दिस वन 4th पोजिशन पे ब्रोमिन एटम अटैच होगा. दैट इज द 4 ब्रोमो पायराजोल. वेरी सिंपल प्रोसेस है. ठीक है, दिस इज द ब्रोमिनेशन ऑफ द पायराजोल. नाउ लेट्स सी द नाइट्रेशन ऑफ द पायराजोल. नाइट्रेशन में क्या होगा, देखो व्हेन पायराजोल गेट ट्रीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड, इन दिस इज द नाइट्रेशन प्रोसेस, सो वी विल गेट द 4 नाइट्रो पायराजोल. ओके, दिस इज द 1st पोजिशन, 2nd पोजिशन, 3rd पोजिशन एंड दिस वन दैट इज द 4th पोजिशन. ओके, नाउ लेट्स सी द सिंथेटिक मेथड्स ऑफ द पायराजोल. पायराजोल डेरिवेटिव इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द एसिटियो एसिटिक ईस्टर एंड हाइड्रोजन. जो पायराजोल जो रहते हैं डेरिवेटिव्स, वो कंडेंसेशन प्रोसेस में
एसिटो एसिटिक ईस्टर और हाइड्रोजन के साथ बनता है। ये कीटो फॉर्म में है, ठीक है, और ये इनॉल फॉर्म में है। इसका कंडेंसेशन जब होता है एसिटो एसिटिक ईस्टर का और हाइड्रोजन का, तब हमें क्या मिलता है, 5,3,5-डायमिथाइल पायरेसोल मिलता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल सिंथेटिक मेथड एंड दिस इज ऑल अबाउट द अजोल ग्रुप, दैट इज द पायरेसोल। थैंक यू।